प्रस्तुत है हिंदी एकांकी घपला। इस एकांकी में जो पात्र भाग ले रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। इस एकांकी में कई तरह के पात्र हैं, जैसे कि टैलेंटेड, जबरदस्ती के और निहायत ही ढीठ किस्म के कलाकार। हम आपको ये ज्ञात करवा दें कि हमारे प्ले में किसी तरह का जानवरों के ऊपर हरासमेंट नहीं किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं रजीव मेरा खुद अकेले हैं, कोई इन पे बैठ के नहीं आया। खैर, इस एकांकी में हर एक बंदे ने अपनी अपनी तरह से योगदान दिया है, जैसे कि ग्रुप अपीयरेंस श्री राजीव मेहरा, मोस्ट एक्सपेंसिव क्यू आर्टिस्ट श्वेता तिवारी, द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल कपल मंत्रा एंड पूर्वी, व्हाटएवर दे फील लाइक दे आर डूइंग, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑफ कोर्स मेन आर्टिस्ट कपिल शर्मा। चलो निकलो बे, चलो 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 चलो, एकांकी शुरू, जोरदार तालियां। कॉमेडी में आजकल पैसा नहीं रहा है, लेकिन एक दो लोगों के पास, ये विपुल संजीव टाइप लोगों के पास, इसलिए मैंने होटल खोल लिया। ये तन बदन होटल, नाम से पता तो लग ही गया होगा फैमिली होटल है। बड़े लोग आते हैं यहाँ पे, फैमिली प्लानिंग करके जाते हैं। बड़ा मशहूर होटल मेरा, इतना मशहूर है तरह तरह के लोग आते हैं। तू चुन्नी ठीक कर ले, हम लोग नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तरह तरह के लोग आते हैं। ये पिंकू 4 दिन पहले आया, कहता भाई साहब आपके कमरे में मेरे को रहना है, होटल में कमरा चाहिए। मैंने कहा देखो भाई नहीं मिल सकता, सारे कमरे फुल हैं। कहता ये तो और भी अच्छी बात है, मुझे भी अकेले को नींद नहीं आती, ऐसा इनका मानना है। खैर, मेरा होटल इतना मशहूर है कि सिर्फ 3 ही कमरे खाली हैं, और मैंने भी ज्यादा बनवाए नहीं। मैंने कहा जब 3 ही नहीं भर रहे तो चौथा बनवाए क्यों। ऐसा होता रहता है अक्सर हमारे साथ, तो देखते हैं कि कोई ग्राहक आता है या नहीं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। ट्राइटरस हेलो। अरे भाई साहब, ये तन बदन होटल यही है क्या? 6,000 रुपया खर्चा करके पोस्टर लगवाया मैंने बाहर, दिखता नहीं है, यही है। नहीं, क्या है ना कि इस उम्र में तन बदन जैसे अल्फाज मेरे मुंह से निकल जाए इसी खुशी में बोल देते हैं। मेरे को तो पहले ही से आइडिया हो रहा था, बिल्डिंग भले पुरानी लेकिन लिफ्ट काम कर रही है। साथ में ये कौन है? ये जो कमसिन सी लड़की है ये मेरी बीवी है। अंकल आपको शर्म नहीं आती? आप बोल रहे हैं लड़की है, अरे काम क्या आपको? अरे भगवान के लिए अपनी बकवास बंद करो, एक कमरा दे दो यार। कमरा चाहिए आपको? अच्छा, कितने टाइम के लिए, कितने दिनों के लिए? मतलब कि चले जाएंगे, चेक इन कर रहे हैं, चेक आउट कर लेंगे। चेक इन तो कर लेंगे लेकिन उसके बाद डेथ आउट कब करेंगे? अरे अरे बेटा, ऐसे चेकआउट होता है, डेथ आउट नहीं होता है। चेकआउट भी नहीं, इसको कफ कहते हैं जो तू फेंक रही है ना। मेरे को पता है चेकआउट होता है, लेकिन वो जिंदा लोगों का होता है। पता ठंड कितनी पड़ रही है, रात को तुम लोगों को ज्यादा ठंड पड़ गई, दोनों बूढ़े श्रिंक कर गए, तो मैं क्या करूंगा। सुनो, इधर आओ बैठिए। आपको शर्म नहीं आती पापा जी? इतनी उम्र में अपनी बीवी को शादी के बाद भी होटल में लेके जा रहे हो, और वो भी इतनी सीनियर बीवी को। ए, ब, 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 कुछ भी बकवास मत करने वरना दांत निकाल के मारूंगी मैं तेरे को। अरे देखो बेटा, वैसे तो हम हरिद्वार जा रहे थे लेकिन हमारी ट्रेन छूट गई, अब कल ट्रेन मिलेगी तो हमने सोचा आज रात यहीं पे। इतनी ओस तो बाहर नहीं पड़ रही बुढ़िया, जितनी तेरे मुंह से पड़ रही है इधर। इतनी दूर काहे तकलीफ की, उधर प्लेटफार्म पे सो जाते जाके। अच्छा, वहां पे गुजार लेते रात। अरे इतनी ठंडी में ये गुजर जाते तो मेरा तो तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तो हरिद्वार जा रहे हो ना। हाँ। तो क्या फर्क पड़ता है, तुम सीट पे बैठ के जाती, ये मटकी में चला जाता बुढ़ा। तुम दुकान चला रहे हो कि बकवास कर रहे हो? बस ये बताओ कि तुम्हारे होटल में हमारे लिए कमरा है कि नहीं? है कमरा, कौन सा चाहिए, एसी के नॉन एसी? एसी चलेगा, हीटर वाला जो गर्म हवा फेंकता है बहुत ठंड है। तो सीधा नहीं बोल सकता हीटर चाहिए, एसी वाला हीटर चाहिए तेरे को। गलती से अगर तुमने ठंडा बटन घुमा के सो गए तो सुबह कौन खाएगा झुर्रियों वाली कुल्फियां? अरे ठीक है अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। आइडेंटिटी कार्ड? चले तेरे कृष्ण और सुदेश के होते मेरे यहाँ पे शोभा आइडेंटिटी बन नहीं रही है। ठीक है 2,000 रुपए एडवांस दो और 5,000 रुपए डिपॉजिट। बेटा ये 2,000 एडवांस तो ठीक है, 5,000 रुपए डिपॉजिट है। तुम लोग बुढ़े थू थू कर रहे हो ना कोई नुकसान करके जाओगे, इस वजह से 5,000 ले रहा हूँ मैं। अरे ऐसी बात मत करो, हम लोग इतना नुकसान यहाँ पर नहीं करेंगे। अरे ये कुछ करते ही नहीं है,
इसको देखो, बुढ़िया है एक नंबर की। ये जब पलके झपकाती है ना तो मैं हाथों से उठा के वापस रख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, खुद तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे अपनी मूंछों से पूरी ट्रक उठा लेते हो। हाँ, अरे इतने बूढ़े हैं कि नकली दांत में से 3 दांत वैसे भी मिसिंग है। सबके सामने मिस्टर की इंसल्ट। अरे तेरी तो ये नकली आंखों में भी मोतियाबिंद हो गया बुढ़िया। ये अपनी बलगम टॉकिंग बंद करो और ये लो कमरे की चाबी। निकलो जाके कमरे में बैठ जाओ। अरे बेला गलत तेरा, नहीं उठाई जाती चाबी तो पहले बोल देते। बुड्ढे आदमी मुझे दो। तुम लोग मिलकर ही उठा सकते थे। कोशिश करते हैं। हाँ, बाहर सामान पड़ा है, पहुंचा दोगे? हैं? ये सामान? कौन सा सामान? सामान ये? इतनी बुड्ढी भी नहीं चल के जा सकती है। ये सामान पहले से पहुंची हुई है भाई। तो कौन सा? दूसरा सामान की बात कर रहा हूँ। तो इसका क्या है यार? ये लो, तुम उठा लो। अरे क्या कर रहे? अच्छा चलो आओ, तुम्हारा कमरा छोड़ के ये रहा आपका कमरा, ठीक है? और देखिए, किसी चीज की जरूरत हो ये फोन पड़ा हुआ है, 0 नंबर दबा देना, ठीक है? अच्छा ठीक है। लेकिन ये फोन तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। अरे फोन को क्या लेने देना, 0 पे जोर से मुक्का मारना, मेरे को आवाज आएगी, मैं आ जाऊंगा। और ध्यान रखना, अगर मुक्का 8 पे लग गया लॉन्ड्री वाले आ जाएंगे। अरे कैसा कमरा है ये तो साड़ी का कपड़ा लग रहा है। हाँ तो क्या करें, अब साड़ियाँ छूट जाती है, हम दीवारें बना लेते हैं। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है लुंगी का कपड़ा है। तो लुंगी अभी तो छूटते हैं, ताली को एक हाथ से थोड़ी ना बजती है। अगर एक बात ध्यान से सुनो, अपने अपने डिपार्टमेंट में धांका करो। तेरे को साड़ियों की नॉलेज, तेरे को लुंगियों की। जवानी में कुछ खास ठीक नहीं रहे तुम लोग। बैठो, आराम करो अभी। ठीक है ठीक है, आराम ही करना। उनके बच्चे कहाँ जा रहे? नहाने जाओ। रिसेप्शन? आप इतने सारे 10-12 लोग एक साथ बताइए। कौन से 10-12 भाई, मैं अकेला ही हूँ। एक्सक्यूज मी बॉय कटली बहन जी, देखिए इस हालत में आपको ऐसे घूमना फिरना ठीक नहीं है। आपको पता है, आपके साथ साथ आपके होने वाले 6 के 6 बच्चों को नुकसान हो सकता है। आप तो हर जगह से प्रेग्नेंट है, गाल मुंह आंख नाक। मैं क्या कहूँ आपके बारे में, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप तो मल्टी प्रेग्नेंट है। दिमाग खराब है? एक तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, दूसरा मैं बहन जी नहीं हूँ, भाई साहब हूँ। ओके, आई एम सॉरी, मैं आप पहली बार आए हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारे होटल में एक रूम चाहिए। रूम चाहिए? रूम चाहिए, मिल जाएगा? कितने दिन के लिए? अरे दिन के लिए नहीं, छोटा सा काम है यार, जितना बनता ले लेना। समझ गया मैं, इतने से काम के लिए 2000 क्यों खर्च कर रहा है होटल में? इधर जा सुलभ शौचालय, उधर मत मार जाके टॉयलेट की। तेरा जितना पेट है ना, तेरे से वो भी 3000 ले लेगा, क्योंकि तेरे को एक नहीं 6-6 कमोड़ लगेंगे तेरे को बे। अबे तू पागल है क्या? और एक्चुअली मैं अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुला रहा हूँ, मुझे को कमरा चाहिए। तेरी भी गर्लफ्रेंड है? उसमें क्या, तू तो चल है ही बेशरम, तेरी गर्लफ्रेंड को शर्म नहीं आई एनिमल के साथ रिलेशन रखते हुए? हद है यार। ए उल्टी खोपड़ी, उसने मुझे आकर प्रपोज किया था। क्या बोली? हाँ, मुझे आकर बोली मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ साहिल। अबे तेरे को गलत फहमी हुई, उसने पूछा होगा आर यू प्रेग्नेंट साहिल। तेरे पास कोई रूम है मेरे लिए तो देर वरना चल। हाँ है ना रूम, कितनी देर के लिए चाहिए? अरे यार थोड़ी देर के लिए चाहिए, कहाँ है? और लड़की को बुला क्यों रहे, मेरे को एक बात बता बे। पहले ऐसी घिनौनी हरकत करते हो, अब यहाँ पे क्यों बुला रहे उसको? माफी मांगनी उससे? अरे माफी माफी अब माफी नहीं भाई, माफी मांगने के लिए पिछली बार बुलाया था और माफी माफी में काफी कुछ हो गया, अब माफी नहीं भाई। अब तुम बताओ यार कोई रूम है तो। पूरी स्क्रिप्ट में एक पंच था तेरा, तेरा टिकाया भी नहीं बोल सकता तू। क्या आइडेंटिटी कार्ड निकालो अपना। आइडेंटिटी कपिल और सुदेश और कृष्णा के होते हुए कभी मंत्रा की आइडेंटिटी नहीं बनी तो मेरी कहां से बनेगी? ये पता क्यों नहीं बनी, इससे पहले वाले पंच में जो तूने पॉज लिया ना उसकी वजह से नहीं बनेगी आइडेंटिटी कार्ड। कहता हमारी वजह से आइडेंटिटी नहीं बन रही। सालों हम लोग फिल्म तो नहीं ना कर रहे, वहां पे कौन सा सुपरस्टार बन गया तू? फिल्में तो नहीं कर रहे ना हम लोग, वहां पे कौन सा सुपरस्टार बन गया तू? कौन सा तुम मटरू की बिजली का गड़गोला बन गया? चल निकाल अपना आइडेंटिटी कार्ड। अरे आइडेंटिटी कार्ड तो मैं लेके नहीं आया यार। नहीं ले गया? तो पंजाबी में क्यों हो रहा है भाई, पंजाबी पे कर रहा है। देख कोई बात नहीं, मेरा आइडेंटिटी कार्ड हम इधर ही बना रहे थे, हम लोग फैमिली फोटोग्राफर है, पुराने जमाने के पुछते हैं, नहीं पता तुम्हें? सच्ची? हाँ, तो पता चांद पे जो सबसे पहला बंदा गया था, नील नितिन मुकेश। अरे नील नितिन मुकेश नहीं, नील आर्मस्ट्रांग। हाँ तो ठीक है ना, नील नितिन को भी भेजो, ये इधर करके रहा वो। कौन था ये? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग
उसका जो पहली बार चांद पे गया था तो फोटो मेरे दादाजी ने खींची थी, लेकिन वो तो कभी इंडिया में आया नहीं। तुम कौन से स्कूल से पढ़ा है इंडिया? फिर क्या हुआ, ऊपर जा रहा ना रॉकेट में, ऐसे ऊपर जा रहा था, दादाजी ने सीटी मारी, उसने नीचे देखा, हाँ, उन्होंने फोटो खींच ली। चल तू जा रहा, दिमाग मत खा, चले चाबी निकल, अरे पकड़, निकल चल अपने रूम में। लेकिन देखना मुझे कोई डिस्टर्ब मत करे। तेरे को बात बताऊं, ये एक्ट में 6 लोग ना होते, 5 भी होते तब भी इतना ही मजा आता। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब तू कर रहा है अभी, पता तेरे को? चल निकल अपने रूम में। चल किन, मेरा कमरा है कहां? कहां रहा, इधर तो था अभी कमरा तेरा, किधर गया? क्या कमरा एपिजेट, ये रहा तेरा कमरा, ये तेरा कमरा, ये मेरा कमरा, इतना छोटा सा कमरा यार। अबे तेरे को कमरे से क्या लेना देना, जाकर टॉयलेट चेक कर। इतना दिमाग खराब है यार, ये बता कि वॉशरूम में पानी आ रहा है कि नहीं? अरे वॉशरूम में क्या, इधर से पी लेना, वॉशरूम में जाके क्या पीना है तुमने, इधर से पी ले। अरे दिमाग खराब, मुझे शावर लेना है। शावर लेना है तेरे को? गांव में भैंसों के साथ नहा नहा के बड़े हुए हैं, जरा सा होटल देख ली, शावर कहाँ है? मारूंगा तेरा खींच के, मैं बढ़ाया तो शावर लगा, ज्यादा शावर और यूज करना, डबल चार्ज लूंगा तेरे से कमोड़ का, बता रहा हूँ तेरे को। किस बात के डबल चार्जेस है? क्या यहाँ पे टूटे हुए कमरे, टूटी हुई दीवारें हैं? ये टूटी दीवारें हैं? ये दीवारें पता कितनी मजबूत है, पुराना होटल बनाया, ये देख दीवारें कितनी मजबूत दीवारें। नहीं होते, चाहे रहने दो, रहने दो, कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो गई, रहने दो। ऐसा मत बोलो, कैसे कोई फायदा नहीं, उसने मौका दिया है, हौसला भी देगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, हड्डी टूट जाएगी, बैठ जाओ। एक्सक्यूज मी, अगर आपने अंदर की बात सुन ली हो तो मेरी बात भी सुन लीजिए, मुझे आपके होटल में एक रूम चाहिए। सीधा आगे बोलते, मिमिक्री करने की क्या जरूरत थी? बड़े सही टाइम पे हैं आप, होटल में एक ही कमरा खाली है बस। अच्छा? हाँ, एक ही कमरा खाली होटल में। हेलो, आप इस कमरे से आई? कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी, सीधी 25 साल की लड़की पैदा कर दी। अब सुनिए जी, कहिए। चुप रहे, मेरे को बुला रही। जी कहिए। जी मुझे आपके होटल में एक कमरा चाहिए। क्या बात कर रही हैं आप, तो अच्छे घर की लगती हैं। What you mean? मेरा मतलब मैडम, आपके लिए हमारे होटल में एक स्पेशल रूम है। मेरे लिए स्पेशल रूम? ऐसे क्यों? अंधी है, जुड़ा करके नहीं आ सकती थी। देखो मुझे तुम्हारे होटल का रूम चाहिए, मुझे रूम दे दो। जब दो महंगे कलाकार आपस में बात कर रहे हैं, तू बीच में क्यों उंगली कर रहा है? दबा दे। आइए मैडम, आपको आपके रूम के तक लेके चलता हूँ। थप्पड़ मारने की क्या जरूरत, प्यार से बोल देते मैं वैसे ही साइड में हो जाता। अब दो मिनट साइड पर रह, चल उधर। आइए मैडम, आपको अपने रूम में तक लेके चलता हूँ, आइए आइए। बोल बे साले, 5 बज गए, तेरी वेट करूंगा तेरे, क्योंकि मैं निकाल पिस्तौल जो लेके आया साले, चला। मैं इस लड़की की जान ले लूंगा, मुझे इस होटल में रूम चाहिए। देखो साले, एक कमरे के लिए तो मेरी जान लेगा, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे ये कैसा शोर हो रहा भाई? बबलू, पिंकी, एक मिनट, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये वही मेरी गर्लफ्रेंड है जिसको मैंने यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। क्या बात कर रहा है, तेरी गर्लफ्रेंड? हाँ। भाई इधर, तो मेरे गोली मार। मेरी बॉडी में इतने छेद कर दे मुझे पता ना चले मैं सांस कहां से लूं, और ये जो भी है मार मुझे। ये क्या हो रहा है? मुझे क्या पता, मेरा तो दिल कर रहा है, इतना गुस्सा है, दिल करता है लात मार के होटल गिरा दूंगा। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे होटल पे। अरे एक बात सुन बे ढुल्ले, तू तो कह रहा है तेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है? हाँ तो हूँ ना प्रेग्नेंट, आपके पेट फुला कर दिखाऊं, 1 महीना प्रेग्नेंट हूँ। आओ जी, बचाओ बबलू, मुझे बचाओ। 1 महीने की प्रेग्नेंट, अब तेरे को क्या बबलू बचाए? 1 महीना पहले तो बची नहीं उससे, ये तेरे को क्या बचाएगा अभी? अरे कौन है फोर? पूछो फोर कौन मचा रहा है फोर? मैं मम्मी। बबलू पापा बबलू। अरे ये क्या बबलू, मम्मी पापा मम्मी बबलू बेटा लगा रखा है। अरे इसका कोई और रिश्तेदार हो तो उसे भी बुला लो, इसको पहचान लेगा। अबे कौन सा रिश्तेदार, चुप करो साले, मोटे नाक पीटे मोती चूर के लड्डू। वो तो भूल के गया था कि शहर के बाहर पढ़ाई और एग्जाम देने जा रहा है। एक वो तो एग्जाम दे देगा, तू जो अंदर क्वेश्चन पेपर भर रहा था तेरा। अरे तू ये
बता तू साले यहाँ क्या कर रहा है? पापा जी ये मेरे साथ आया है। अंधी कहीं की साली जुड़ा करके नहीं आ सकती थी? दलदल में मारूंगा तेरे में। ये क्या हो रहा है? कौन है बबलू? कौन टपलू का? कौन है? क्या कंफ्यूज करके रख दिया मेरे होटल का बेड़ा कर दिया? आप लोग जज है, इतनी देर से देख रहे हैं। आपका आई क्यू चेक करता हूँ। बताओ हम में से कौन बबलू है? कौन पिंकी है? कौन मालिक है? बताओ कौन कौन कौन?